सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए थे उसी को आज हम लोग हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक घन है तो घन के बारे में पहले समझ लेते हैं। कह रहा है 17.7 कूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। तो घन क्या होता है? तो घन जो होता है हमारा, ये इस प्रकार जैसे डिब्बा हो, कोई कार्टून हो उस प्रकार का कोई चित्र, जैसे माचिस की डिब्बी, तो घन है उसमें इस प्रकार घन बनता है। घन की कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं। घन में जो होता है 6 फलक होते हैं। कौन कौन से फलक? 1, 2, 3, 4, 5 एक ये आगे और एक इसी के पीछे 6, जिस तरह लूडो होता है, पास या लूडो होता है ना, लूडो में 6 फलक होते हैं, उसी प्रकार उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और इसके 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड है, बंद निकाय है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा, यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। तो प्रत्येक सतह का मतलब एक सतह से निकलने वाला, तो एक सतह तो कितने फलक हैं? तो गाउस का नियम, तो गाउस साहब ने कहा जो फाई है अगर बंद है तो उसके लिए फ्लक्स होता है क्यू अपान एप्सिलॉन। ये कितना है? टोटल में से निकलने वाला, मतलब पूरे घन से निकलने। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है घन की प्रत्येक सतह से, तो कितनी सतह हैं? 6 सतह हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक सतह से निकलने वाला। तो इसी को हल कर लेते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू कितना है? 17.7 पीको कूलाम। तो 17.7 पीको को हम लोग 10^-12 लिखते हैं और कूलाम तो सी बटे 6। ये परमिटिविटी कांस्टेंट है तो इसका मान होता है 8.85 × 10^-12। 12 से 12 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। तो ये फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/6, और 2/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये पहला आंसर हो जाएगा। तो घन को समझना है, इसके 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं, और कह रहा है एक फलक से निकलने वाला, तो ये 6 बार निकाल के जोड़ भी सकते हैं हम लोग, इस तरह भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार दिया गया है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करो। तो एक फलक से मतलब वही, तो घन हमारे क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है एक फलक से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 फलक होते हैं इसके, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू का मान दिया 10 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो को कूलाम बनाएंगे, 10^-6 माइक्रो की जगह पे रखेंगे, कूलाम इसी तरह हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 6 × 8.85 ε0 का मान इतना होता है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10^5 हो जाएगा, 10^-5 ही ऊपर जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 8.85। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 1.8 × 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 1 मीटर भुजा वाले घन के एक कोने पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है, कोने पर रखा है, केंद्र पे नहीं रखा है, ध्यान देना है। और कोने कितने होते हैं हमारे?
अब ये भी ऊपर मैंने बताया 8 कोने होते, 4 ये वाले हो गए, और घन बनाना है तो इसी के साथ 4 ये वाले हो गए, 8 कोने हो गए हमारे। एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने। 8 कोने हो गए तो कह रहा कोने से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा फाइ इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान, अब साइलेंट नॉट होता है कोने से कह रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फलक 6 होते हैं और कोने 8 होते हैं तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम, आवेश कह रहा है तो 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा हमारा 8 × 8 पॉइंट, अब साइलेंट नॉट का मान रख देंगे, 10⁻¹२, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.414 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तीसरा हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा आवेश क्यू का एक घन के किसी एक फलक के केंद्र पर स्थित है, घन के से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला, तो घन फलक में स्थित है, मतलब ये इस तरह का फलक है, तो फलक एक फलक तो यही तो हुआ ना, तो इधर से या तो ऊपर से निकलेगा या तो नीचे से निकलेगा, तो फलक से घन, घन से निकलने वाला मतलब एक अपर साइड हो गया और एक इनर साइड हो गया, तो दो हो गया, दो फलक हो गए ना हमारे, तो हमारा हो जाएगा फाइ इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, अगर पूरे घन से निकलता तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, कह रहा है एक फलक से, तो फलक में कितना निकलेगा, एक अपर साइड और एक, तो दो हो गए तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइ इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केंद्र पर स्थित है घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये केंद्र हो गया और एक अगर घन से निकलेगा तो एक इधर निकलेगा और एक अंदर निकलेगा, या तो इसको ये खड़ा है ऐसे तो एक इस साइड और एक इस साइड फलक, दोनों तो साइड निकलेगा, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिए, ये आज का हो गया हमारा टॉपिक। धन्यवाद।